एसोसिएशन ने आज एक दिन के है यानी कि आज स्ट्राइक जो है वो बार एसोसिएशन में देखने को मिलेगी, जहां पर लॉयड्स के द्वारा आज काम को निलंबित कर दिया गया है। यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आज एक दिन के लिए काम बंद रहेगा, जहां पर उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर निंदा जताई है। यानी कि जिस तरीके से उनका कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जिस तरीके से ऑर्डर सामने आया है, और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि एंटी पीपल पॉलिसी को यानी कि जिस तरीके से एलजी प्रशासन ला रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां पर आज बार एसोसिएशन की बात करें तो आज जो है वो पूरे दिन काम बंद रहेगा, और वहीं पर साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एम के भारद्वाज ने एक मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया कि आज वो यानी कि आज जो है बार एसोसिएशन के सभी लॉयड्स ने ये फैसला लिया है कि काम आज बंद रहेगा, यानी कि आज जो है वो बार एसोसिएशन में स्ट्राइक देखने को मिलेगी, जहां पर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ऑर्डर सामने आता है। जहां पर राजनीतिक पार्टीज की अगर बात करें तो अलग अलग बयान भी सामने आया है। जहां पर इस मुद्दे की अगर बात करें तो ये मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर में इस वक्त गर्माया हुआ है, जहां पर आम जनता भी इसको लेकर खिलाफत जो है नजर आ रही है, यानी कि असहमति जो है वो नजर आ रही है। जहां पर हर एक व्यक्ति, हर एक आम जनता, जम्मू के हर एक व्यक्ति का यह कहना है कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स को यहां पर लगाने की बात कर रही है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स देखने को मिलेगा, जिसके चलते आम जनता भी असहमति जता रही है। जहां पर बार एसोसिएशन के लॉयड्स की बात करें तो आज उन्होंने पूरे दिन यानी कि आज एक दिन के स्ट्राइक पर हैं, और साथ ही साथ उन्होंने काम को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और वहीं पर आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रशासन की गलत नीतियों के कारण वित्तीय संकट से जूझ रहे लोगों की संपत्ति पर लगने की कड़ी निंदा करते हैं। जहां पर उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से लोग जो है वो पहले ही यानी कि जम्मू की आम जनता जो है वो पहले ही कई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, जहां पर अब एक और प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो उनकी जेब पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इसके आज जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया, यानी कि काम को निलंबित किया है, बंद किया है। और वहीं पर प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ ये बंद काम जो है वो बंद किया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से लोगों को, आम जनता की बात करें तो आम जनता का ये कहना है कि हम इसकी खिलाफत करते हैं, यानी कि असहमति जताते हैं। कोई भी यानी कि जम्मू एक भी व्यक्ति जो है वो इससे सहमत नहीं है। हर किसी का यही कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। और वहीं पर अगर मीटिंग की बात करें, हाउस मीटिंग की बात करें, तो जिस तरीके से तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी, जहां पर मेयर ने यह साफ तौर पर कहा था कि कल हाउस मीटिंग देखने को मिलेगी, और उसके बाद यानी कि काउंसिलर की तरफ से जो डिसीजन सामने आएगा, सहमत होंगे या असहमत होंगे, उसका प्रस्ताव जो है वो एलजी प्रशासन की तरफ रखा जाएगा। लेकिन इसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जिस तरीके से आम जनता ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं, राजनीतिक पार्टीज ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं कि लोगों की अगर बात करें तो लोगों ने इसको साफ तौर पर असहमति जताई है। जहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई गरीब यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो किस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स को भरेंगी, क्योंकि इससे पूरा असर जो है वो उनकी जेबों पर पड़ेगा, उनकी बजट पर देखने को मिलेगा। जहां पर आम जनता इसको लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर असहमति जताती हुई नजर आई है। वहीं पर आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टीज की बात करें तो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, जहां पर 370 धारा की भी बात की गई, और उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 370 धारा हटने के बाद एक और तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं पर जाते जाते मैं आपको फिर बताती चलूं कि आज बार एसोसिएशन की लॉयड्स की तरफ से, जम्मू बार एसोसिएशन लॉयड्स की तरफ से आज पूरे दिन काम जो है वो बंद रहेगा, यानी कि पूरे दिन आज स्ट्राइक जो है वो देखने को मिलेगी, जहां पर आज काम को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हर एक नागरिक की बात करें, जम्मू के नागरिक की बात करें, या फिर राजनीतिक पार्टीज की बात करें, तो सभी का ये कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लागू नहीं करना चाहिए। और हालांकि ऑर्डर जो है वो निकल चुका है, और ये सामने आ चुका है कि 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स देखने को मिलेगा। हालांकि कल मीटिंग होगी, हाउस मीटिंग होगी, उसमें देखने को मिलेगा कि क्या इस फैसले को लेकर क्या ये फैसला जो है यानी कि सहमति जताई जाती है या असहमति जताई जाती है। क्योंकि कल जिस तरीके से मेयर की बात करें, डिप्टी मेयर की बात करें, तो उन्होंने ये भी कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स आने वाले समय में लोग जो है लोगों की बेहतरी के लिए ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा, क्या 1 अप्रैल 2023 से आम जनता को प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा। क्योंकि जिस तरीके से आम जनता, राजनीतिक पार्टी, सभी का ये कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है यानी कि आम जनता पर इस पर जेब पर जो है काफी असर देखने को मिलेगा। मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो जहां पर उनके बजट को लेकर भी जिस तरीके से
मिडिल क्लास फैमिली उनकी जेब पर भी काफी असर देखने को मिलेगा, जहां पर जम्मू के हर एक नागरिक यानी कि आम जनता का यही कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स से वो असहमत है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे कैमरा पर्सन राकेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।